Good morning, ma'am. My name is Tanya Singh. My school name is Smart Indian Model School. आज मैं एक लसन का पेड़ उगाने जा रही हूँ. तुलसी का प्लांट लगाने जा रही हूँ. मैं इसके अंदर वाटर डाल दूंगी. हमें इन प्लांट्सों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी उगते हैं और फ्रूट भी मिलते हैं. अगर ये पेड़ नहीं होते और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. अगर ये पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं होते. थैंक यू. लास्ट सेकंड मैं आपको पेड़ के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ. आओ बच्चों पेड़ लगाओ, हरियाली सब और फैलाओ. पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये साफ बनाते. एक एक पेड़ सब लगाओ, उसके मीठे फल भी खाओ. माई बच्चों
को पेड़ लगाओ, आओ उसका उसका मीठा फल भी खाओ, आओ बच्चों पेड़ लगाओ। थैंक यू। हाँ शुरू शुरू से। आओ बच्चों पेड़ लगाओ, हरियाली को सपोर्ट लाओ, हरियाली को सपोर्ट लाओ, वायु को वे ये रहा, वायु को वे साफ बनाते, वायु को वो साफ बनाते, एक एक सब पेड़ लगाओ, उसके मीठे फल भी खाओ। वेरी गुड। अरे एक मिनट। हाय गुड मॉर्निंग, मैं माय नेम इज आत्मिक्षा, आई एम क्लास 2 स्मार्ट इन योर स्कूल रामपुर। जो आपने हमें 20,000 लगाने को कहा था, ये है लौकी का बीज। हम बीज बोने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब इसमें बीज लगाओ। ये है लौकी का बीज, ये और लो एक आध बीज और लो आधी बेटा, तीन चार ले लो, ये दो बीज ये है मम्मी, अब हमारे पास तीन बीज है। चलिए जल्दी से हम इसको अब कर देते हैं। अब थोड़े इधर रुको, अब हम तो इसकी थोड़ी सी बीज, रुको 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 मम्मी, इतने सारे नहीं बेटा, लो लगा, ठीक है इसमें लगाओ। अब थोड़ी सी मिट्टी डाल दो और थोड़ा बस, मिल गए बेटा। अब हल्का सा पानी दे दो। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। बस बेटा मिला दो। हम इसमें अब हम इसमें पानी डालना चाह रहे हैं, हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सब में डाल दो बस। I am second standard in Smart India Model School. So today I am telling about importance of trees. Let's start now. Trees are our best friend. They give us medicines, food, paper, oxygen. And fruit, many more vegetables, food, and many more. Trees make the environment beautiful. Birds make their nest on trees. We cannot live without trees. We should not cut the trees. Trees in the summer season give shade in the animals, birds and humans, which make them happy. So it's our duty to preserve such beautiful creation of God. And we must grow more and more trees. Bye bye.